लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के प्रयास, दो युवक पर आरोप। कमतौल थाना क्षेत्र निवासी एक लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के प्रयास का मामला सामने आया है। गांव के ही दो युवक को ही आरोपित बनाया गया है। मामले को लेकर पीड़िता की ओर से महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उसने गांव के ही मुकेश शर्मा व सोनू शर्मा पर दुष्कर्म व हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है। प्रीता का कहना है कि 28 जनवरी की शाम लगभग 8 बजे वह अपने घर के पीछे स्थित चापाकल पर कपड़ा धो रही थी। इसी दौरान दोनों आरोपित वहां युवक वहां आया और मुंह दबाकर गाछी में ले गया। वहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। रोने पर चाकू दिखाकर किसी को कहने पर जान से मारने की धमकी दी। प्रीता का कहना है कि दुष्कर्म के बाद दोनों युवकों ने उड़नी से गला दबाकर उसे मारने का प्रयास किया। हालांकि किसी तरह वह अपनी जान बचाकर भाग गई। प्रीता का कहना है कि 3-4 दिन तक गांव के लोगों ने मामले को दबाने की कोशिश की। इस संबंध में महिला थाना की थाना अध्यक्ष नुसरत जहां ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, कार्रवाई की जा रही है। बर्तन धोने गया तो उसके बाद उन दोनों लड़का है मेरे को बोले जैसे हम प्लेन नहीं जाओगे तो कल के नहीं जेबे हम प्लेन नहीं आता ये खेला कर तभी वो लोग मुँह बांध दिया। उसके बाद दुपट्टा से गर्दन दोनों कस दिया गाछी में ले गए। एक लड़का एक नाम परवान जिसका फोन किए बोले आवे तो बोले नहीं आवे दोनों गाछी में ले जाके जे करे के जैसे कर मुकेश कुमार और सोनू कुमार गाँव के चलो हाँ घर लग चिन्ह छे। आपका घर कहाँ है? जनवा। किस थाना क्षेत्र में पड़ता है? आप मामला आज ही संज्ञान में आया है। वो जो बच्ची है पूजा महिला थाने पर आई हुई है तो पूछताछ कर एफ आई आर दर्ज किया जा रहा है। क्या कार्रवाई की जाएगी? महिला का विषय था पूछताछ क्या मैं सहज लोग रहे होंगे लेकिन वो आई है तो वो बेहतर होता है कि वहाँ गई थी रहे उससे वहाँ की महिला है उससे महिला थाना आई है। इस पर कार्रवाई होगी सर? बिल्कुल होगी, सख्ती से होगी। धन्यवाद। मेरी लड़की का दो लड़का मिलकर बलात्कार किया। हमने जयनगर में काम कर रहे थे तो हमारे छोटा वाले भाई प्रदीप कुमार यादव है उन्होंने फ़ोन किया। इसके बाद हम आपको 1 तारीख को हम आए थे 1 तारीख को शाम को 4 बजे आए थे। इसके बाद यहाँ से लड़का लोग फरार हो गए। जब समाज ने जो है हमें बहलियाने की कोशिश करते करते फिर 4 बजे हमको गड़बड़ सड़बड़ करके हमको रोक लिया। उसके बाद हम किसी तरह जो है सो सवेर में जो है सो अंधेरा सुबह 5 बजे में वहाँ से हम निकाले हैं लड़की को। सुबह 5 बजे लड़की को निकाल के हम महिला थाना दरभंगा आए हैं। हमको यहाँ से न्याय मिलना चाहिए लड़का को। अच्छा कमतौल थाना में कोई नहीं गया था? कमतौल थाना नहीं गया। कमतौल थाना को हमने फ़ोन किया। कमतौल थाना बोला हम हवाई जहाज नहीं है जो उड़ के चले जाएंगे। वो बोला हरिहरपुर मेरा गाड़ी है आएगा तो मैं भेजूँगा लेकिन 4 रोज हो गया अभी तक नहीं आया। कल जो है फिर मेरे साथ हंगामा हुआ। कल 2 तारीख की रात में हंगामा हुआ 7 बजे तो उस उन्होंने फ़ोन उनको फ़ोन किसी से करवाया किसी के मार्फत वो आया लेकिन वो उस वक्त भी हमें कोई एक्शन हमसे पूछा तो भाई ने बताया जो बच्ची को साथ जो है सो जो लड़की बताई मेरे भाई को जो बर्तन धोने गई तो वहाँ से लड़का दोनों पकड़ के ले गया जो कि गला में खराशा है मारने का भी कोशिश जी जी जान से मारने का जी जी जी। कितने साल की है बच्ची? ये बच्ची 13 साल की है। आप उनके कौन है जी? आप बच्ची के पिताजी? क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिलीप यादव है। गांव? गांव अहियारी चनवाटोल थाना कमतौल जिला दरभंगा। आप लड़की की कौन है? चाची। जी बताइए क्या हुआ है? 28 तारीख को लड़की को हम सोता रहा 8 बजे रात में तो वो लड़की जो रोता बर्तन धोने गया तो लो रोते आया तो बोला दादी को बोला जो क्या हुआ दादी बोला तो बोला जी हमको 2 लड़का बलू ऐसे ऐसे बलू गाछी में कल्ला झाँप दिया गर्दन में भी चछा गया है से बलू जबरदस्ती हमको वो कर लिया आ तब तो हो गया। तो उसको पापा के भी फोन करा था से हो गया इतनी बात। अच्छा तो वो अपने दादी को बता रही थी? दादी के बता रहा है तो हम कि बर्तन धो रहे थे तो हमको उठा के ले गया गाछी में बलात्कार किया ऐसा बोली वो। हाँ तो कहते और दादी के बतल के तो हमहूँ सब घर में रही था आवाज गए तो निकल कर लिए तो वही बात समझे सब दादी। दोनों लड़का कहाँ के छले? गाँव के है लोहारे है दोनों गाँव के छे। लोहारे की नाम भले दोनों के? एगो के मुकेश शर्मा एगो के सोनू शर्मा। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।